इसकी आने हरम में हकों में विलादत हो जाए, क्यों न वो क़िबलाए खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी के चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए, उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत हो जाए, जिसकी आने हरों में मोहम्मद आले। जब ले के मर गए अकबर बोले के मर गए अकबर पुकारे शाह ये क्या हमसे कर गए अकबर ज़ईबाप से छुट कर किधर गए अकबर
जिधर गए अकबर हमें भी पास बुला लो, जिधर गए अकबर वो बलची सीने पाखा के दिल से आन की वो बरची सीने पखाई के दिल से आन की जई बाकी तन्हाई पर निगाह न की रजा जहां की सलाम के चंद शेर पेश करता हूँ। सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। सूरत है लेकिन अपनी जगह खुद किताब है। अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब है। वो आ रहा उदू से निकल के हो, वो आ रहा है फौज उदू से निकल के हो। अकबर तेरी अज़ाओं का ये पहला जवाब है। अकबर तेरी अज़ाओं का ये पहला जवाब है। अकबर सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी का शबाब है, अकबर नबी नहीं है, नबी का शबाब। अकबर अज़ाओं के वक्त सरापा रसूल था। अकबर अज़ाओं के वक्त सरापा
रसूल था और अब मंजिले जिहाद है, अब भूतराब है, अब मंजिले जिहाद है, अब भूतराब है। सलवात पढ़े बार मोहम्मद आले मोहम्मद। नबी नहीं है नबी का शबा है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबा है, जज्बा कभी कटा है किसी ज़र्बे तेर से, जज्बा कभी कटा है किसी ज़र्बे तेर से, लोगों हुसैन फर्द नहीं इनकलाब है, लोगों हुसैन फर्द नहीं इनकलाब है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबाब है, अकबर की सौत है निगहे वारिसे रसूल, अकबर की समत है निगहे वारिसे रसूल, और दीने खुदा के लपा सवाले शबाब है, दीने खुदा के लपा सवाले शबाब है, अकबर नबी नहीं है नबी का शबाब है, खुद धूप, खुद धूप साया हो जो इशारा करें इमाम, खुद धूप साया हो जो इशारा करें इमाम, फेरा था जो अली ने वही आफ्ताब है, फेरा था जो अली ने वही आफ्ताब है, अकबर नबी नहीं है। वाह, शबाब के अकबर ने कुछ बात न देखी, शबाब के तकलीफ तीन रो सही कहते आपकी, शिद्दत वो प्यास की वो तपिश आफताब, और बेकसी वो सिबते रिसालत मौत, हाय हाय, और बेकसी वो सिबते रिसालत मौत, सीना छिदे पिसर का
तो क्या दिल को कर पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े, अयूबी जो हो तो कलेजा निकल पड़े। ये जिक्र था के आ गया रन में वो खस्ता जा, अकबर को बोले देके कुछ फौज के जवा, किस खान माँ का आ मिटाता है ये निशा, किस बाकी बहार को करता है बेखिजा, किस बार की बहार को करता है ये खिजा, किस बार की बहार को करता है ये, किस माँ को अपने सोग में इसने बिठाया है, किस बाप के जिगर पर छुरी को फिरा, किस बाप के जिगर पा छुरी को फिरा, नागा फौज की से उमर ने किया कला, ये वक्त कारजार है ऐसा किनान शाह, बस है यही बिसाते शहंशाह खास, मारा गया ये शेर तो मर जाएंगे इमाम, मारा गया ये शेर तो मर जाएंगे इमाम, लूटो जनाबे फातिमा जहरा के बाग, ठंडा करो हुसैन के घर के चरा, ठंडा करो हुसैन के घर के चरा, हाँ गाजियों ना इसकी जवानी का काम करो, नेजे पर नेजे मारो सितम पर सितम कर, बरछी उठाओ हाथ में तेरे आलम करो, नखले मुराद सिबते नबी को कलम कर, नखले मुराद सिबते नबी को बैठने करो, अरे बेटा न जब रहा तो किधर जाएंगे हुसैन, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे हुसैन, घोड़े से ये गिरेगा तो मर जाएंगे, सुनते ही हुक्म दौड़ पड़ी फौज है सितम, तलवार एक लगी के हुई पसलियां कलम, यूं झुक गए के होते हैं सजदे में जैसे खम, रख दी गले पे शीश ने शमशीर तेज दम, रख दी गले पाशीस ने शमशीर तेज दम, गुलथा करो न रहे तने पास पास, दौड़ा दो घोड़े अकबर मेहरू की लाश, दौड़ा दो घोड़े अकबर मेहरू की लाश, दौड़े सदा ये सुनते ही बस शाह बहरो, बस सर पीटने की जा है
के हंसते थे अहल शहर, कहता था शिमरू ऐ पिसरे सैयदुल बशर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया पिसर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया बरछी हमारी सीने अकबर पचल गई, दिल और जिगर को तोड़ के बाहर निकल, दिल और जिगर को तोड़ के बाहर निकल। दो बन गई मन, फिर गिरते पलते लाश आए अब्बास पर गए और बोले कुछ सुना लिया अकबर तो मैं, और बोले कुछ सुना अली अकबर तो मैं, हम ढूंढने को चार तरफ नंगे सह गए, मालूम है तुम्हें अली अकबर किधर, मालूम है तुम्हें अली अकबर किधर। अरे लाया हुए तिजाओ ये बरादर की लाश पर, अब्बास ले चलो हमें अकबर की लाश, अब्बास ले चलो हमें अकबर की लाश, अब्बास ले चलो हमें अकबर की लाश। नागाह आई हजरते जहरा की ये सदा, हाय हाय हुसैन तेरे तड़पने के मैं फिदा, दम तोड़ता है गोद में मेरी ये महलका, मरता है कोई आन में आ मेरे दिल, मरता है कोई आन में आ मेरे दिल। अरे देखे ये तुमको तुम इसे एक बार देख लो, आओ पिसर का आखिरी दीदार देख लो, आओ पिसर का आखिरी दीदार दे, अकबर ने कुछ बहा। तफसील से
के दो रखी पड़ते इस खून चकाया के आराम क्या कुदरत नहीं फसाया क्या दाराए के नाम क्या ये दास्तान मरहम तेरा क्या तुम कह तो दिल से खून का चश्मा उबल पड़े और चुप रहूं तो मुंह से गले निकल पड़े यूं तो बने अमर अपनी मगर असगर
का इस्तेनाफ वो चूल्हे में बार बार असगर तूने जा कमियों की तूने पदा की रात लक्ष नगान दुर्यत मुस्तफा की रात जो हश्र से अजीम थी वो करबला की रात शकीर ने हयात का उन्ना दस्ते सबाव तो अजम है दस्ते बलाओ हम सपरे मसीह हो जो रबे सपरा की कसम इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम जिसकी सांचे धारने के लिए कायनात को जो तोलता थनों के मिटा कर हयात को आप ही जो मना रहे अजमत है वो हुसैन अब भी जो महबे दर्द मोहब्बत है वो हुसैन जिसकी निगाह मर के अदालत है वो आदम की जो दलील शराफत है वो वाहिद जो है कुन है सिभे अजीम का अल्लाह रे तआला खुदाए अहले जो ने चाहे पारा हो जाए महब याद शहीदाने करबला बाकी रहे नाम कहीं पर हुसैन का लेकिन किसी का जो अतीतो न चल सका अब्बास नाम भर के लहू से धुला हुआ अब भी हुसैन का कलम है धुला हुआ
शिद्दत में ये चंद जुमले आपकी समाअत के लिए हदिया कर रहा हूं। आज मुहर्रम की पांचवी तारीख है। मुख्तलिफ मकामात पर इस रिले के बाद अलम उठने वाले हैं। आज अलम अली अकबर के उठेंगे। मैं हाजिर हूं इसलिए कि अगर मुकद्दरात अजीज अली में यही है कि मैं तकरीरें न कर सकूं तो कम अज कम मेरी तमानियत का बायस होगा और दिल मुतमईन होगा कि मेरी आखिरी तकरीर शहजादे अली अकबर के लिए थी। मैंने आपको हमेशा जहमत दी और मैं उसके लिए माफ़ी का ख्वाह हूँ। घबराने का मकाम नहीं है, अपने फ़राइज़ मनसबी को इसी तरह से अदा करना है। बहरहाल आप रहें, आबाद रहें, शाद रहें, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सेहत से रखे, अल्लाह आपके कारवान मोहब्बत को इसी तरह से मशर तक ले जाए जहाँ शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब हो। हर हाल अब चूंकि ऐसे मौके पे दो चार दकीक़े ही आपको जहमत देनी है, इसलिए कबल इसके कि मैं इन बातों को कहूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अमर वाजे हो जाए कि बहर सूरत हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं उस मकसद से किनारा करना, पीछे हटना, अपने माहौल से मुतासिर होकर मकसद को छोड़ देना नामुनासिब है। ये चंद जुमले थे और इसके बाद ये है कि अली अकबर को मैदान की इजाज़त मिल गई। अली अकबर को मैदान की इजाज़त मिल गई। मैं पटेल पार्क में यही कह रहा था, जैनब ने भी इजाज़त दी, उम्मे लैला ने भी इजाज़त दी। हुसैन इब्ने अली बेटे का हाथ थाम के अपने खेमे में आए और नाना के तबर्रुकात का संदोक तलब किया, नाना का अमामा निकाल के बेटे को पहनाया, नाना की अबा पहनाई, नाना के असलहे जंग से आराधना किया, सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, अली अकबर, जब कभी नाना को देखने के लिए दिल चाहता था
میں تمہاری صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر جاؤ علی اکبر، اللہ کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کے بیٹے کا ہاتھ تھام کے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا خداوندہ تو گواہ رہنا کہ اب میں اس لشکر کی طرف اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، قلق میں، منطق میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا۔ اس کے بعد کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آواز دی کوئی ہے میرے بیٹے کے لیے سواری کا لانے والا؟ کسی نے گھوڑے کو حاضر کیا، حسین ابن علی آ کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر نے باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، رکاب میں پاؤں رکھ کے پشت زین پر بلند ہوئے اور ایک مرتبہ باپ کو سلام کر کے جب چلے تو مڑ کے دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے۔ گھبرا کے کہا بابا کیا بات ہے بابا؟ کہنے لگے علی اکبر آہستہ چلو علی اکبر، تم نہیں جا رہے ہو، میری جان جا رہی ہے علی اکبر، آہستہ چلو۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے حسین ابن علی کے قریب آئے، آقا کے گوش ہمایون میں کچھ کہا۔ حسین ابن علی خیمے کی طرف روتے ہوئے آئے، بہت پکار کے روئے۔ زینب نے کہا کہ آقا صبح سے کیسے کیسے عزیز مارے گئے، کیسے کیسے رفیق مارے گئے، مگر کبھی آپ پکار کے نہیں روئے۔ فرمایا بہن دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بہن یا جوان بیٹا مجھے وصیت کرتا ہے کہ بابا جب میں مر جاؤں میری لاش خیمے میں نہ لانا، بابا میری ماں غریب ہے، میری ماں پردیسی ہے، مر جائے گی۔ علی اکبر روانہ ہوئے، حسین ابن علی نے تناب خیمہ پہ سر رکھ دیا، بیٹے کی جنگ کو دیکھنا شروع کیا۔ زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ مڑ کے کہا زینب ام لیلہ کہا ہے؟ عرض کیا یہی کھڑی ہے۔ کہا زینب ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ارے جائے دعا کرے۔ ام لیلہ اپنے خیمے میں آئی، فرش الٹ دیا، مٹی پر بیٹھ گئی، سر کے بالوں کو کھول دیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا من رات یوسف الہ یعقوب و یا من رات اسماعیل الہ حاضر۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاضرہ سے ملانے والے، میرے لال کو ایک مرتبہ پھرانے کی اجازت دے۔ یہ دعا تمام نہ ہوئی تھی، دیکھا علی اکبر تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکاتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے، سلام کیا، کہا بابا آپ نے علی اکبر کی جنگ دیکھی، بابا آپ نے علی اکبر کی لڑائی دیکھی۔ کہا بیٹا کیوں نہ ہو، حیدر کے پوتے ہو، کیا کہنے تمہاری لڑائی کا؟ کہنے لگے بابا آج ایک حسرت رہ گئی، بابا بابا اگر ذرا سا پانی کہیں سے مل جاتا تو آپ دیکھتے علی اکبر کی جنگ کو۔ رو کے کہا میرے لال جاؤ ساقی کوثر سیراب کریں گے، جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر ادھر گئے اور ادھر حسین اب خیمے کی طرف نہیں دیکھتے، آگے آگے بیٹا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسین آگے بڑھ رہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی بابا بابا۔ علماء مقاتل بیان کرتے ایک مرتبہ نہیں پکارا، اب مسلسل آواز آنے لگی بابا 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 بابا۔ امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کیا بات تھی؟ علی اکبر نے اتنی مرتبہ کیوں آواز